हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सुपर आइडिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी नॉलेज के लिए मैं एक से एक वीडियो लेके आता रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी काम करने में जो है कि मदद मिल सके। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आज फिर आपके सामने एक लेके आया हूँ। शेपर मशीन में क्या वर्क होता है, कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या फंक्शन है, इस पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मशीनरी लाइन में हैं तो आपको हर मशीन की जो है कि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो आपको काम करने में कभी भी कठिनाई जो है कि नहीं आएगी और ना ही किसी मुसीबत का जो है कि सामना करना पड़ेगा। शेपर मशीन में ज़्यादातर काम क्या होता है और क्या क्या काम होता है और इसमें क्या क्या फंक्शन है, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ में। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेपर मशीन जो है मैं दिखा दूं। देखिए, ये प्रकार की जो शेपर मशीन होती है, आखिर इसमें वर्क क्या होता है, क्या काम किया जाता है इसके ऊपर। शेपर मशीन पर ज़्यादातर हम जो है कि कीवे बना सकते हैं, जो कि चाबी घाट जिसको बोला जाता है, और इस पर हम इस प्रकार के जो है कि ये देख रहे हैं ना, ये स्लॉट निकले हुए हैं, इसे स्लॉट बोला जाता है। ये स्लॉट भी जो है कि शेपर मशीन पे ही बनते हैं और इसमें जो है कि हम किसी प्रकार का जो अपना प्लेट हो गया या इस प्रकार का जो बेड हो गया, उसको हम इस पर टर्निंग कर सकते हैं। टर्निंग मतलब कि जैसे ये प्लेन किया हुआ है, इसी प्रकार में हम इसमें प्लेन कर सकते हैं शेपर मशीन पे। साइड कीवे बनानी हो तो उसके लिए टूल लगाया हुआ है, जो कि शाफ्ट वगैरह में अगर कीवे कटिंग करनी होगी तो उसके लिए दूसरा टूल है। उसके लिए देखिए ये वाला टूल है, इसको हम इसमें लगा देंगे, इसको उतार करके इसमें ये वाला फिट कर देंगे तो हमारा शाफ्ट में जो है कीवे बनाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये जिसमें जो टूल लगाया हुआ है मैंने, ये एक स्लाइड है और इसके आगे जो है कि टूल होल्डर लगा हुआ है। ये स्लाइड अप डाउन भी होती है, यहाँ से देखिए अप डाउन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये वाइस है जिसमें हम अपनी जॉब को है जो कि पकड़ के रखते हैं और इसमें कीवे बनाने के काम आती है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो लीवर देख रहे हैं आप, ये लीवर जो है कि हमारे चाल को जो है कि मैनेज करने में काम आती है। इससे मतलब कि सेटिंग की जाती है कि हमें ये जो चाल है, ये जो लेफ्ट राइट मूव करता है, ये हमें कितनी दूरी में चाहिए और कितनी दूरी में नहीं चाहिए, यही से हम इसको जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये लीवर से ये पीछे भी हो जाता है और आगे भी हो जाता है। अभी मैंने बिल्कुल आगे किया हुआ है क्योंकि मुझे जितना ज़रूरत है मैंने उतना ही इसको सेटिंग की हुई है। अब चलिए हम इसके राइट साइड में आ गए हैं। ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये लीवर से हम जो है कि बेल्ट को लूज कर सकते हैं। ये बेल्ट लगी हुई है, इसको हम लूज करके इसको चेंज करना होगा, तो हम इसको यहाँ से आगे के मूव कर देंगे और बेल्ट हमारी जो लूज हो जाएगी तो हम इसे आसानी से निकाल के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप ये जो लीवर देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीवर लगा हुआ है, देखिए बिल्कुल सेंटर में है। ये लीवर से हमें जो है कि हमारी जो ये जो चाल है, ये जो चाल देख रहे हैं, ये जो हेड है हमारा जो आगे पीछे मूव करता है, इसकी चाल को कंट्रोल करने के लिए रहता है, ओके। और इसके सामने दो ठो और लीवर लगे हुए हैं, ये देखिए दो ठो लीवर और लगे हुए हैं। ये लीवर जो है कि हमारे एक बेड के लिए है, ये जो बेड है इसे बेड बोला जाता है, ठीक है। ये एक जो बेड के लिए है, एक हमारी स्लाइडिंग के लिए है जो कि अप डाउन नीचे ऊपर होती रहती है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है, ये बेड को जो है लेफ्ट राइट जो है मूव करता है, और इससे नीचे जो लीवर लगा हुआ है, इससे जो हमारी ये स्लाइडिंग है ये ऊपर नीचे की जाती है, जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट हम कर सकें। और यहाँ से जो है कि ये आप जो लीवर देख रहे हैं नीचे में, ये ऊपर से जो नीचे वाला लीवर है, यहाँ से हम अपने जॉब को जो है फिनिशिंग दे सकते हैं, जो कि जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे बोले कि जैसे हम रफ कटिंग करते हैं या एक फाइनल कटिंग करते हैं, ठीक है। रफ़ कटिंग करने के लिए तो हम नॉर्मली जैसे भी सेटिंग है हम करके अपना रफ़ कटिंग कर लेंगे, जो कि जिसमें अगर हमें जॉब में ज़्यादा फिनिशिंग देनी हो तो हम यहाँ से सेटिंग करते हैं कि मतलब उससे क्या होता है कि ये जो चाल है, ये चाल जो है ये धीरे हो जाएगी और जॉब में फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं किससे क्या होता है और इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार की नॉलेज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।